विकास के नाम पर झंडुता में चुनाव लड़ा जाएगा, चाहे जो भी हो मेरे विरोध या फिर मेरे सामने खड़ा हो जाए। ये बात झंडुता विधानसभा क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी जीतराम कटवाल ने कही। उन्होंने कहा कि झंडुता में सड़कों से लेकर स्वास्थ्य व शिक्षा हर क्षेत्र में कार्य हुआ है। झंडुता क्षेत्र की कोटधार जिला का सबसे पिछड़ा क्षेत्र में आता था, लेकिन इस क्षेत्र में सड़क, स्वास्थ्य व शिक्षा में कार्य हुआ है। जीतराम कटवाल ने कहा कि मेरे विरोध में कोई भी नेता आ जाए, उसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि जिस क्षेत्र में आजादी के बाद भी सड़क ना पहुंची, वहां पर इन 5 सालों में लोगों के घरों तक सड़कें पहुंची हैं। कटवाल ने कहा कि झंडुता विधानसभा क्षेत्र में बहुत बड़ा इंडस्ट्री एरिया शुरू होने वाला, जिसका शुभारंभ चुनावों से पहले मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर झंडुता में आकर ही कर गए हैं। वहीं उन्होंने कहा कि यहां पर विदेशी व बाहरी कंपनियां भी निवेश करेगी, इसी के साथ यहां पर युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी प्रदान होंगे। उन्होंने कहा कि जल्द यहां पर बागचल पुल भी शुरू होने वाला है। ये पुल झंडुता विधानसभा क्षेत्र को सीधे फोरलेन रास्ते से जुड़ेगा। कटवाल ने कहा कि प्रदेश के डबल इंजन सरकार ने झंडुता में अतः विकास करवाकर नए आयाम स्थापित किए हैं। मैं काम करता हूं और जो भी मैं बोलता हूं वो पूरा करता हूं। किसी भी सूरत में मैं झूठ नहीं बोलता कि अपने इलेक्टोरेट को, कंस्टिट्यूएंट्स को, इन गरीब व्यक्तियों को, इनको मैं भगवान की तरह मानता हूँ और इनके हर एक शब्द पे गौर करता हूँ और इनको कहीं ऐसा नहीं कि इलेक्शन के दौरान अफवाह उड़ा दी, भ्रमित कर दिया, ये कर देंगे, ये कर देंगे, तो नहीं, ऐसा नहीं। और इनको मेरे ऊपर विश्वास है। मैं अभी एक जगह था, एक आदमी अपने आप खड़ा होकर बोला कि जी पहले हमें लगातार ठगा गया और आपने जो जो बोला, ये चीज़ें हमने कभी सोची नहीं थी। आपने यहाँ ठठल जंगल में PSC खोल दी, आपने ठठल जंगल में स्कूल खोल दिया। पॉपुलेशन कितनी है? 2-3 हज़ार, 4 हज़ार की होगी, परंतु अत्यंत गरीब हैं और अगर नहीं उठे तो पिछड़ जाएंगे, हमेशा के लिए पिछड़ सकते हैं। बाकी तो भगवान का लिखा हुआ भाग्य है, किसी के पक्ष में क्या है। कोई यहाँ से कल को प्रधानमंत्री बन जाए, राष्ट्रपति बन जाए, आर्मी का जनरल बन जाए, चीफ सेक्रेटरी बन जाए, कोई बहुत बड़ा डॉक्टर बन जाए, वो तो किसी के भविष्य के गर्व में है। परंतु जो बुनियादी सुविधाएं हैं वो हमें देनी है और मैंने अब एक राजनीतिज्ञ के तौर पर मेरा हमेशा प्रयास रहता है कि हर एक क्षेत्र को सुना जाए, हर एक व्यक्ति को सुना जाए और उसकी अपेक्षाओं के अनुरूप जितना भी सरकार में सामर्थ्य होती है, संभव होता है, उसको पूरा किया जाए और मैं पूरा करता हूँ।